गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल. टुडेज टॉपिक इज मैक्सिमा एंड मिनिमम. ऑब्जर्व दीज ग्राफ्स. मैक्सिमम एंड मिनिमम आर द इंटीरियर पॉइंट ऑफ द इंटरवल ए बी. एज जैसे कि आप लोग ग्राफ में देख रहे हो, ए बी क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट है. किसके? इंटीरियर पॉइंट के. मैक्सिमम एंड मिनिमम आर द एंड पॉइंट. सेकेंड ग्राफ में क्या है, जो एंड पॉइंट है वो इसके मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स हैं. थर्ड में देखते हो तो इसके क्या है, स्लोप जो है नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है. बट ऐसा भी नहीं है कि हम इसको डिफरेंशिएबल कर सकते हैं एम और एन से. फोर्थ में देखते हो तो मैक्सिमम एट एंड पॉइंट, मिनिमम एट इंटीरियर पॉइंट. इसमें क्या है, जो मैक्सिमम है वो एंड पॉइंट पर है और जो मिनिमम है वो इसके इंटीरियर पॉइंट पर है, जैसे कि आप लोग इसमें ऑब्जर्व कर रहे हो. अब नेक्स्ट यह है कि इस ग्राफ में क्या है, बहुत सारे मैक्सिमा और मिनिमा हैं, बट देयर इज ओनली वन मैक्सिमा एंड ओनली वन मिनिमा. लास्ट में देखो पीक में, तो जो आपके पास हाईएस्ट नंबर है वो क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, और जो सबसे लोएस्ट है वो है पॉइंट ऑफ मिनिमम. फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा एम इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू टेन जीरो डिग्री इज इक्वल्स टू जीरो. डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो मीन्स टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ये है इसके कुछ ग्राफ हैं. अगर आपके पास इंक्रीज कर रहा है कोई पॉइंट तो वो पॉजिटिव है, अगर डिक्रीज कर रहा है तो वो आपके पास क्या है, नेगेटिव है. जैसे कि इसमें देख रहे हो m इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू टेंजेंट 45 वो होता है पॉजिटिव और tan 135 इज नेगेटिव. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा. इफ एट लेफ्ट ऑफ एनी पॉइंट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू पॉजिटिव एंड राइट ऑफ दिस पॉइंट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव, देन द पॉइंट विल बी मैक्सिमम. इफ एट लेफ्ट ऑफ एनी पॉइंट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव एंड राइट ऑफ दिस पॉइंट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, देन द पॉइंट विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमम. प्रोसीजर टू फाइंड आउट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. कैसे फाइंड आउट करोगे कि जो आपके पास डेरिवेटिव है वो मैक्सिमम और मिनिमम, क्या प्रोसीजर है उसका फाइंड आउट करने का. फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है और उसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर देना है बी स्टेप में, और फिर ज़ीरो पुट करने के बाद उसके आप लोग कुछ पॉइंट्स निकल जाएंगे, नंबर्स निकल जाएंगे, और उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे. अगर वो नेगेटिव आता है उसका सोल्यूशन तो वो आपके पास क्या है, मैक्सिमा. अगर पॉजिटिव आता है तो वो आपके पास मिनिमा. अगर ज़ीरो आता है तो फिर अगेन जो है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है निकालोगे. अगेन स्टेप लास्ट स्टेप में अगर आपके पास थर्ड ऑर्डर पॉजिटिव और नेगेटिव आता है तो देन द पॉइंट विल बी नाइदर मैक्सिमम और मिनिमम. इफ इट इज इक्वल्स टू ज़ीरो देन फाइंड आउट अगेन फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव. इफ फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव इज पॉजिटिव देन द पॉइंट विल बी मैक्सिमा एंड द फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव इज पॉजिटिव देन द पॉइंट विल बी मिनिमा एंड सो ऑन सो. प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है एक, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड ऑफ मैक्सिमा एरिया विच कैन बी फेंस्ड बाय 36 मीटर फेंस. तो क्वेश्चन दिया है कि आप लोगों ने डायमेंशंस निकालना है रेक्टेंगल फील्ड का. तो लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, फील्ड गिवन है. 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ फॉर्मूला वो है 36 मीटर फेंस. वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 18. सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, a इज इक्वल्स टू x डॉट y, a इज इक्वल्स टू x 18 माइनस x, 18x माइनस x स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया. a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है 18x माइनस x स्क्वायर. तो यहाँ पर a है, वहाँ पर x 18x माइनस x स्क्वायर पुट कर दोगे. अगेन जो के पास t a अपॉन dx की वैल्यू निकली है उसको जीरो के इक्वल करोगे, इक्वेशन बनाओगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे. अगेन इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे. अब जैसे कि इसमें निकाला है तो वो आपके पास नेगेटिव आया है,
तो मैंने बताया था कि अगर आपके पास कोई भी पॉइंट नेगेटिव आता है तो वो आपके पास क्या आता है, मैक्सिमम होता है। और x की वैल्यू तो फाइंड आउट कर रखी है, वो है 9। तो इसका जो मैक्सिमम एरिया निकला है वो है 81। यहाँ पर x गिवन नहीं है, वहाँ पर हमने उसकी जो है वैल्यूज़ पुट की है और उसका सॉल्यूशन निकाला है। अब ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे कोई पॉइंट जो है प्रोडक्ट में मैक्सिमम होता है और मिनिमम होता है। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 18, यानी कि फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट में। तो जैसे कि इक्वेशन दी है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 18, तो फर्स्ट प्रोडक्ट में देखो 17 है, 16 32, 45, 56, 65, 32, 77, 80 एंड 81। तो प्रोडक्ट इज मिनिमम हेयर 17 एंड प्रोडक्ट इज मैक्सिमम हेयर 81। सिंपली जो सबसे लोअर है वो आपके पास मिनिमम एंड जो सबसे हाइयर है वो आपके पास मैक्सिमम। सो दिस इज़ योर टॉपिक फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। थैंक यू।